So next is practice time. See, Shalini bought the following items from the neighborhood store. Prepare the bill for the items by filling in the details. अभी शालिनी एक गर्ल है, उसने कुछ चीज़ें या कुछ आइटम्स अपने नेबरहुड के पड़ोस के शॉप से ख़रीदी है, स्टोर से. उसका बिल बनाना है यहाँ पर, आइटम्स की क्वांटिटी फिल करके हमें बिल बनाना है. सो सी हियर, यहाँ पर कितने आइटम है. 1, 2, 3, 4, 5 आइटम दिया है. फर्स्ट इज़ टूथब्रश, सेकेंड इज़ सोप, थर्ड इज़ शैम्पू, फोर्थ इज़ चॉकलेट और फिफ्थ इज़ बटर. अभी वो सब की क्वांटिटी यहाँ पर दिया है. क्वांटिटी मीन्स कितने कितने क्वांटिटी लिया है उसकी. टूथब्रश 2 लिया है, सोप 5 लिए हैं, शैम्पू के 2 बॉटल्स लिए हैं शालिनी ने, चॉकलेट के 4 पीसेस लिए हैं और बटर के 1 पैक लिया है. ओके, अभी यहाँ दिया है यूनिट प्राइस. यूनिट प्राइस बोलेंगे मीन्स एक टूथब्रश का कितना प्राइस था. ओके, तो एक यूनिट प्राइस, यूनिट मीन्स एक का बस प्राइस बताया है यहाँ पर रुपीज़ और पैसे में. 27 रुपीज़ 00 पैसा मीन्स 27 रुपीज़ का 1 टूथब्रश था. ऐसे उसने 2 ब्रश लिए हैं. सोप कितने हैं, 12 रुपीज़ 50 पैसे का एक सोप था जो कि शालिन ने 5 लिए हैं. शैम्पू एक बॉटल 75 रुपीज़ की है तो शालिनी ने ऐसे 2 बॉटल खरीदे हैं. चॉकलेट 10 रुपीज़ का एक था तो शालिनी ने ऐसे 4 चॉकलेट्स खरीदे हैं. बटर का 1 पैकेट 45 रुपीज़ और 50 पैसे का है तो ये बटर का पैकेट एक ही लिया है शालिनी ने. अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें लिखना है. सी, यहाँ पर टूथब्रश का 1 टूथब्रश का प्राइस 27 था. ऐसे शालिनी ने 2 टूथब्रश लिए तो हमें क्या करना होगा, 2 टूथब्रश के पैसे क्या करना होगा, काउंट करना होगा. जब एक टूथब्रश का कीमत थी, प्राइस था 27, तो दूसरे भी टूथब्रश का 27 होगा. 27 + 27 कितना होता है, उसका हमें एडिशन कर लेना होगा. 7 और 7, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी टोटल कितना हुआ, 54. सो सी, यहाँ पर 54 लिख लिया है रुपीज़ में और पैसा तो 00 था इसलिए 00 लिख लिया है. नेक्स्ट देखते हैं सोप की क्वांटिटी कितनी थी. इसको हम इस तरह भी कर सकते थे, एडिशन नहीं भी करते तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो यही आंसर आता. 2 7 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 2 4 और 1 5. इस तरह मल्टीप्लिकेशन से भी हम कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सोप की वन सोप की प्राइस है 12 रुपीज़ 50 पैसे. ऐसे 5 क्या हुए हैं, सोप खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे, 12.50 पैसे को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. या क्योंकि बहुत हार्ड जाएगा कि ऐसा 5 टाइम ये 12.50 को एडिशन करने में, इसलिए हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 500, 5 5 ज़ा 25, सो 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10 और 2, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6. सो और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना है. दैट मीन यहाँ पर आया है 62 रुपीज़ 50 पैसा. 62 रुपीज़ में लिखेंगे और 50 पैसे में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट है 75 की एक शैम्पू की बॉटल थी, ऐसे 2 बॉटल लिए हैं तो 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, यानी 2 बॉटल 150 के आए हैं, 150 रुपीज़ और पैसा 00. ओके, चॉकलेट 10 रुपीज़ का एक था, ऐसे 4 चॉकलेट लिए थे तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 400, 4 1 ज़ा 4, यानी
₹40 के 4 चॉकलेट थे, पैसा 00। बटर का पैकेट ₹45.50 था, और ऐसा बटर का कितने पैकेट किया, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज़ नंबर आता है वो 1 5 5 1 4 4, यानी ₹45.50। ओके, तो अब इसका हमको टोटल निकालना है, तो इसका एडिशन कर लेते हैं पहले। सो सी हम क्या करेंगे, टोटल इसी पर हमें करना है। ये 00 है, ये तो नहीं आएंगे। 50 और 50 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब इसका एडिशन कर लेंगे हम, इसको अच्छे से एक के नीचे एक डिजिट्स को लिख लेंगे। ओके, अभी ये सबका एडिशन करना है हमें। 2005 का एडिशन करना है। 200 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 5 हो जाएगा 7। अभी इसका एडिशन करना है, 6 और 5 होता है 11। 11 में 4 को ऐड करो 15, 15 में 4 को ऐड करो 9, 19, तो 19 का 9 कैरी ओवर 1, और ये 1 जो था 100 के प्लेस पर, ये 1 में ये कैरीड ओवर का 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएंगे। अभी 100 पैसे का हमने सेकंड और थर्ड क्लास में भी, ये सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में भी ये हमने देखा है कि 100 पैसे का 1 रुपी होता है ना, 1 रुपी 100 पैसे का होता है, तो ये हो जाएगा 1 रुपी, तो इसमें ही आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 298 रुपीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 298 रुपीज़ हो जाएगा, और ये बच जाएगा 00। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन है, सुरेश बाउट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, प्रिपेयर द बिल। अभी आपको करना है बिल प्रिपेयर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये, और उसका टोटल भी। टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे, आई मल्टीप्लाई द रुपीज बाय 100। अभी ये आपको रिवीजन है, ये इसमें बोल रहा है कि अगर रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ आई डिवाइड बाई 100, और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करते हैं 100। आई कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मनी इन द सेम वे एज एनी टू नंबर्स। अगर हमें कोई भी मनी को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो जैसा कि हम करते हैं टू नंबर को लेकर, सो वैसे ही इसमें मनी में भी करना ही है, एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी वैसे ही करना है। आई ओनली नीड टू रिमेंबर टू प्लेस द पॉइंट 2 places फ्रॉम द राइट इन द आंसर। बस ये बात भूलना नहीं है कि राइट साइड से जो 2 digit के बाद पॉइंट लगता है वो लगाना ना भूले। आई कैन प्रिपेयर अ बिल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स एंड द प्राइस इज नोन। और बिल भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अगर क्वांटिटी हमें पता हो आइटम्स की, और प्राइस, उसके प्राइसेस भी पता हो तो। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन में सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। अभी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, ये नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, सो ये एडिशन का तो सबको आता है, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, डिवीजन का भी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पूरे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसी तरह ये सॉल्व करना है। सो ये आपको सॉल्व करना है, मैं पूछूंगी आपको आंसर्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन जब ख़त्म हो रहा था, डे के एंड में क्या हो रहा है कि ए वेंडिंग मशीन हैड 10 रुपी। वेंडिंग मशीन में कितने रुपीज़ कॉइन्स थे, 46 10 रुपीज़ कॉइन्स थे, एंड 39 5 रुपीज़ कॉइन्स थे। सो हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड इन ऑल
फ्रॉम द वेंडिंग मशीन. सो टोटल में, टोटल वेंडिंग मशीन में से क्या कितने मनी मिले थे, कलेक्ट हुए थे. तो इसको हम एडिशन कर लेंगे क्योंकि ऑल मनी पूछा है. तो 46 10 मीन्स 46 रुपया 10 पैसा, एंड 39.5 रुपीज मीन्स 39 रुपीज 5 पैसा. तो 5 पैसे को हम 05 लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर का जो हमारा नंबर है वहाँ पर पैसा 2 डिजिट में दिया है, और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखते तो हमें अरेंज करने में हमारा आंसर सही नहीं आता. इसलिए 05 लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 5 लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं. तो हमने 05 लिखा, इसका एडिशन कर लेंगे. 05 5 वन का 1.6 में 9 ऐड किए 15 होता है, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 4 और 3 7 और 8 8. सो 85 रुपीज़ 9.15 पैसा वेंडिंग मशीन से कलेक्ट हुए थे. टोटल कितने? 85 रुपीज़ 15 पैसा. ओके, सेम हियर, सेम लाइक दिस. सोनिया बाउट एन ओवन फॉर 12,565 एंड ए टोस्टर फॉर 1,857.50 पैसा. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर? अभी सोनिया ने कितना, इतने रुपीस का ओवन खरीदा और इतने रुपीस का टोस्टर खरीदा, तो अब उसके पास कितने रुपीस बचे हैं? अगर उसने, इफ़ शी हैड रुपीस 15,000 टू बिगिन विथ, उसने अपने साथ कितने रुपीस लेकर गई थी? 15,000, 15,000 उसने अपने साथ शॉप पर लेकर गई थी, जिसमें से उसने 12,000 इतने का ओवन लिया और 1,857.5 रुपीस का उसने टोस्टर लिया. तो हमें पहले करना क्या होगा कि ये दोनों ओवन का और टोस्टर का पहले हमें एडिशन करना होगा. तो ओवन कितने का था? ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव का ओवन था, एंड टोस्टर 1,857.50. ये दोनों का एडिशन कर लेंगे. 005, 5 में 7 ऐड किए 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 और 5 11 और 12 का 2 कैरी ओवर 1, 5 और 13 और 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 और 1 3 और 4 ये 1 का 1. यानी टोटल कितने मनी? टोस्टर, ये टोस्टर और ये ओवन, दोनों का एडिशन करने पर कितना हुआ? 14,422 रुपीज़ और 50 पैसा. अभी टोटल उसने कितने साथ में लेकर गई थी? 15,000. तो हम 15,000 में से ये मनी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब उसके पास कितने मनी बचा है. सो 15,000 में से हम क्या करेंगे, ये मनी को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये मनी लिख लेंगे 14,422.50 पैसा. देन ये सबको 00 है तो कैंसिल नहीं होंगे, तो हम यहाँ से 11 क्या करेंगे, बोरो करते चलेंगे, उधार लेंगे. 5 से हमने एक नंबर उधार लिया इसके पास, तो यहाँ 4 रह गया, ये 10 बन गया. अब ये 10 में से हम बाजू वाले को एक नंबर देंगे तो यहाँ 9. अब अगेन यही प्रोसेस करेंगे यहाँ तक, ये 9 रहेगा, ये 10, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9. ओके, 10 में से 0, ओके, ये 10 ही रखेंगे हम, 9 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 ही हो जाएगा. अब ये 10 में से 5 कैंसिल किए, 5, 9 में से 2 कैंसिल किए 7 7, 9 में से 4 कैंसिल किए 5, 4 में से 4 कैंसिल किए 0 0. ये 0 0
कैंसल। सो इस तरह टोटल सोनिया के पास 577 रुपीज़ और 50 पैसा बचे। ओके 577 और 50 पैसा। सो नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी वर्कड विथ सम करेंसीज ड्यूरिंग मैथ्स लैब। द करेंसी यूज इन अमेरिका इज़ द डॉलर। अमेरिका में जो करेंसी यूज़ होती है उसे डॉलर बोलते हैं। इन द सेम वे एज द रुपी इज़ इन इंडिया। जैसा कि इंडिया में हम रुपीज़ बोलते हैं मनी को, वैसा अमेरिका में डॉलर बोलते हैं मनी को। द सिम्बॉल ऑफ द डॉलर इज़ दिस। डॉलर का सिम्बॉल क्या है? ये है 1 अमेरिकन डॉलर - इंडियन रुपीज़। अभी आपको पता है क्या, अमेरिकन डॉलर, एक अमेरिकन डॉलर की प्राइस अपने इंडिया में कितनी होती है? तो इंडिया के जब 74 रुपीज़ और 11 पैसा जब मिलाते हैं तो तब जाके डॉलर 1 डॉलर होता है। ओके 1 डॉलर इंडिया, अमेरिका का 1 डॉलर इंडिया के 74 रुपीज़ के बराबर होता है। सो 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 74 रुपीज़ 11 पैसा इंडियन रुपीज़। ओके तो 1 डॉलर इज 74 रुपीज़ 11 पैसा। जेनिफर केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका। जेनिफर एक गर्ल है जो अमेरिका से आई है इंडिया को। शी हैड $1,200। उसके पास कितने डॉलर्स थे? 1,200। हाउ मैनी रुपीज़ विल शी गेट बाई एक्सचेंजिंग हर डॉलर्स टू रुपीज़। अगर उसने उसके डॉलर्स इंडिया में आने के बाद एक्सचेंज किए रुपीज़ में तो कितने होंगे? तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, 1,200 को 74.11 पैसा से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 88,932, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद। ओके तो टोटल उसने मीन्स कितने रुपीज़ लाए थे अमेरिका से, 88,932। शी स्पेंट 50,800 रुपीज़ वाइल इन इंडिया। और उसने इंडिया में रहते हुए कितने पैसे खर्च कर दिए, 50,800। हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट। सो उसके पास अभी कितने रुपीज़ बचे हैं वो हमें देखना है। तो हमें क्या करना होगा, उसके ये टोटल मनी में से 50,800 को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो रुपीज़ रह जाएंगे 38,132। ओके इतने उसके पास लेफ्ट रह जाएंगे। बिफोर गोइंग बैक टू अमेरिका शी एक्सचेंज द रुपीज़ फॉर डॉलर्स। और फिर से वो अमेरिका जाने के लिए क्या करती है, रुपीज़ को फिर से डॉलर में एक्सचेंज कर लेती है। हाउ मैनी डॉलर्स इज शी लेफ्ट विथ। सो उसके पास कितने डॉलर अभी बचेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये जो उसके पास बची मनी थी उसको अगेन हमें 74.11 से डिवाइड करना होगा। तो जब डिवाइड कर देंगे तो उसके पास रुपीज़ रह जाएंगे 514.532 पैसा, इस तरह से। ओके नेक्स्ट, व्हाइल करेक्टिंग द टेस्ट पेपर द टीचर पुट्स अ स्टार फॉर 5 मार्क्स। सो एक टीचर पेपर चेक कर रही थी तो उस टीचर ने क्या किया, 5 मार्क्स के लिए 1 स्टार रखा है। सो जब टीचर 1 स्टार देती है इसका मतलब है वो 5 मार्क्स के लिए 1 स्टार देती है। हाउ मैनी मार्क्स डिड धीरज गेट इफ़ द टीचर ड्रू धीज ऑन हिज टेस्ट पेपर। अभी धीरज के टेस्ट पेपर पर टीचर ने क्या किया था, इतने स्टार को ड्रॉ किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्टार धीरज के पेपर पर टीचर ने ड्रॉ किया था और हर एक स्टार 5 मार्क्स का था। सो देखते हैं कि कितने मार्क्स मिले थे धीरज को, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी 35 धीरज को मार्क्स मिले थे।
ओके नेक्स्ट है क्यूम्युलेटिव असेसमेंट थ्री, पीरियोडिक एवेल्यूशन। क्यूम्युलेटिव असेसमेंट जो है, क्यूम्युलेटिव असेसमेंट में ये जो आपको क्वेश्चन है ये मेजरमेंट पर डिपेंड, मेजरमेंट चैप्टर पर डिपेंड क्वेश्चन है ये सब। सो जब हमारा मेजरमेंट चैप्टर होगा हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मनी पर डिपेंड है, सी ये ई एफ जी एच। ओके सो ये वाले जो है ये आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं फोर क्वेश्चन। तो इस तरह हमारा ये जो मनी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।